अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों जब से शिहाब भाई पैदल हज की सफ़र के लिए निकले हैं तब से बहुत से लोग अलग अलग जगह से पैदल हज के सफ़र के लिए निकले थे, वो भी बिना वीज़ा और पासपोर्ट के। लेकिन वो सारे मर्द हजरात थे, यानी वो लोग आदमी या लड़के थे। लेकिन अब तो सारी हद ही पार हो गई कि राजस्थान के बूंदी ज़िले से कुछ औरतें और लड़कियां और उनके साथ कुछ मर्द हजरात भी हैं जो कि पैदल सफ़र करने जा रही हैं। दोस्तों बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमारे मुआशरे में इस तरह के जाहिल लोग हैं कि औरतों और लड़कियों को लेकर पैदल सफ़र के लिए निकल पड़े हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, ये लोग पैदल हज करने के लिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनके पास वीज़ा और पासपोर्ट तो होगा नहीं। तो इन लोगों ने लगाया अपना दिमाग और उसके बाद इन लोगों ने पैदल अजमेर शरीफ जाने का फ़ैसला किया और ये लोग चल भी दिए। बड़ा अफसोस हुआ कि औरतों और लड़कियों के साथ ये मर्द हजरात जा रहे हैं, इनको शर्म तक नहीं आ रही है कि अगर रास्ते में कोई हादसा हो जाएगा तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा, और लोग इन्हें समझा भी नहीं रहे हैं। दोस्तों कई लोगों ने अपने वीडियोस के ज़रिए ये पैगाम दिया कि इस तरह की हरकत बिल्कुल भी ना करें, लेकिन इन लोग समझने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई बात कि आप इस तरह ख्वातीन को लेकर पैदल सफ़र कर रहे हैं। आप लोगों की इससे मुतालिक क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो भाइयों कमेंट किया करें जिससे आपकी राय का मुझे भी पता चले। तो बस आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, इंशाअल्लाह जल्द मिलूँगा आपको एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।